हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माई नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 19, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन, समीकरण गठन और समाधान। हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था और आज मैं 15 के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी। 15 में छोटे छोटे क्या है, सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है, वो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे रूट निकालते हैं। वैसे आप लोगों को सोल्यूशन, समीकरण का सोल्यूशन करना मैंने बता रखा है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वर्ड प्रॉब्लम में ही वो सोल्यूशन आ गया था, तो आप लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। बट फिर भी क्वेश्चन है तो हमें करना ही है, तो मैं उसको करके आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम इस चैनल पे क्लास 8 का सारा मैथ्स का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके देते हैं और पूरी तरह से अपना ट्राई और कोशिश करते रहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो, जिससे आपको समझने में बहुत आसान। ओके, 15 नंबर क्या है, देखो, फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब है जो इसमें अननोन वेरिएबल होता है उसे ही फाइंड करना रूट्स कहलाता है, ठीक है। वैसे तो रूट्स का डिफिनेशन अलग होता है, बट आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जो अननोन वेरिएबल है, कोई कुछ भी हो सकता है, एम हो, वाई हो, एन हो, कोई भी अननोन वेरिएबल, उसका उसका जो कितना वैल्यू है वही फाइंड करना हमें रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 3 by x plus 3 = 5 by x plus 2, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ये इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ज्यादा इजी होगा। अगर आप उसको उधर ले जा करके एलसीएम करते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो टर्म बड़ा होता है ना, उससे पहले किया जाता है। 3 से x को कहेंगे 3x बड़ा हो रहा है, और 5 से x को कहेंगे तो 5x सॉरी छोटा हो रहा है और 5x बड़ा हो रहा है, तो हम इससे करेंगे। पहले क्या करेंगे, 5x + 3 × 5 = 15 3x + 3 = 6, ठीक है। उसके बाद ये है 5x - 3x, सब वेरिएबल को वन साइडेड कर दिया जाता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो पहले से है वो पहले, और बाद में जो आएगा उसका साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब 5x - 3x हो गया 2x, और 15 - 6 हो गया 9 - 9, ठीक है। x = क्या हो गया, -9/2, ठीक है। अब आप इसको आपका आंसर इस तरह भी दिया हो सकता है कि इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4, देखो 2 4 कितना हो रहा है, 4, जितने बार में आता है इसको इस साइड में, 2 4 8, ठीक है। तो 9 - 8 1 होता है, 2, यही हो गया, ठीक है। अब इसको आप करके भी देख सकते हैं, 4 2 8 8 + 1 9 9/2, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इसके लिए हम चेंज कर देंगे इसको। 5 by 3x + 4 = 4 by 5 × x 5x 5 × 3 - 15, ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया, ठीक है। ऊपर अनोन है, नीचे वेरिएबल है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है, ठीक है। आप ये खुद भी कर सकते हैं, चलो आप करके देखना है इसको। 2 नंबर बहुत इजी है, ये हो जाएगा। अब करते हैं थर्ड नंबर। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरह का है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जब भी इस तरह का कुछ हो ना, 14 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, x - 2 इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × x = 14x - 14 = 28, सिंपली, ठीक है। यहाँ हमेशा इम्प्लाइज का साइन या और का साइन होना चाहिए, +3x + 15 = यहाँ पे भी उस तरह 3x + 3 = 24 + 5, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ देखो आप उतना ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा वो ना हो, नॉटी पेचीदा ना हो, उसके लिए हमें क्या करते हैं, देखो ये है +3x और ये है +3x, ये जो उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, और प्लस माइनस हमेशा कट जाता है। आप ही बताओ 3 - 3 कितना होता है, 0 होता है ना, दैट इज +3 और -3 कट के 0 आएगा। यहाँ पे ये जाएगा, इतना करेंगे, इससे से क्या है, इधर से ही कट कर दे, ठीक है। यहाँ +3x, सेम साइन हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो वो कट जाता है,
तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो एक्स का वेरिएबल कहीं है नहीं, तो बस 14x ही बचा। 14x इज इक्वल टू जो जो इधर है इसको ऐड कर देते हैं, 24 प्लस 5 30, सॉरी 29 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पहले से 29 है, ये उधर गया, ठीक है। तो प्लस -28 है, +28 हो गया, ठीक है। ये इधर गया तो -15 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, सिंपली प्लस माइनस करना है। दोनों के आगे प्लस प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ओके, इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या होगा, 14x इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। 57 -15, इसको अब माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो गया 42, ठीक है। 42 हो गया, 14x इज इक्वल, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42/14, कट करेंगे 3, 3, x इज इक्वल टू 3 आया, रूट क्या आ गया, रूट आ गया x इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ इस तरह का है, x बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 7। बहुत ईजी है, हमेशा मैंने एक बात आप लोग को बता के रखा, वेरिएबल्स को एक तरफ लेना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दैट इज x प्लस 2 वेरिएबल वाला है -x/3, ठीक है। और यहाँ पहले से 7 था, ये उधर गया तो -5, जो पहले से रहता है उसको पहले लिखा जाता है। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स आपको जानने बहुत जरूरी है। ये 5 उधर गया तो -5 हो गया। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, 6 होगा यहाँ तो 2 हो जाएगा, 7 -5 2, ठीक है। अब 2 3 6 होता है, ठीक है। 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, उसी तरह इधर 3 से x इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 2, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ठीक है। अब ये 3x - 2x, x/6 = 2, ठीक है। नीचे इसके कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x वाला मल्टीप्लाई पहले करते हैं, दैट इज x = 6 * 2, दैट इज 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, रूट रूट इज इक्वल टू 12, ठीक है। फोर्थ नंबर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ हो गया, अब करते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये है, इसमें इस तरह फ्रैक्शंस के टर्म में दिया हुआ है, इसमें सब सब में वेरिएबल्स आपको दिख रहा होगा, सब में वेरिएबल है, तो किसी को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कैसे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल हो जाए। तो इसको सिंपल करने के लिए देखो कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं लग रही है आई थिंक इसमें, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या करो, एलसीएम ले लो, 8 5 40, 40 एलसीएम होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा, 10 और 20 का 20, ठीक है, 20 एलसीएम हो गया। चलो अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 8 5 5 से एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 5, ठीक है, प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से एक्स को करेंगे 8x, 8 से -2 को करेंगे तो -16, ठीक है। इधर क्या होगा, 10 2 20, 2 आया, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 2x + 6, ठीक है। इसको एक ही कट जाएगा, पूरा 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 1, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, 6x + 8x, सॉरी 5x है, सॉरी 5x + 8x कितना हो जाएगा, 13x, और ये 16 - 5 कितना होता है, 11 - 11, देखिए छोटा होता जा रहा है। और ये हो गया 2x + 3x, 5x, और 6 - 1 कितना हो गया, +5, +5 क्यों हुआ, क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है, बाय 20। अब यहाँ देखो नीचे नीचे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बहुत इजी तरीके से, 20 2 40, अभी और छोटा हो गया, कितना हो गया, 13x - 11/2 = 5x + 5/1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 13x - 11, और 2 से इसको मल्टीप्लाई, 10x + 10, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक तरफ, जैसे कि हम जानते हैं 13x - 10x, सॉरी 10x, हाँ, और यहाँ पहले से 10 था, ये उधर गया तो +11 हो गया। अब 13 - 10 कितना हो गया, 3x, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 2, 1 1 2, 21 आया, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू 21/3, कट के 7 टाइम्स में 7, दैट इज रूट कितना आ गया, 7, कितना आ गया रूट, 7, ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे
प्रोसेस देखना है कि कैसे सिंप्लीफाई, सिंपल तरीका कैसे किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन इस तरह जोड़ मोड़ तरोड़ करके दिया हुआ है कि आपको करने में दिक्कत हो, लेकिन नहीं, आपको एक्सपर्ट बनना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो फटाफट करते हैं। मैंने जैसे कि बताया है कि वेरिएबल वाले को एक तरफ लेना है, यहाँ सारा वेरिएबल था इसलिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल अलग अलग है तो इसे एक तरफ ले लेंगे बस। दैट इज एक्स प्लस 1/4 माइनस 2x+4/5, ये एक तरफ ले लिया वेरिएबल्स को। और जो कॉन्स्टेंट टर्म है डेट इज 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 3 है ना ये, आई थिंक। हाँ बुक में देखती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, सॉरी दिखती भी ऐसी हूँ ना, 3। तो 3 को इधर लेंगे तो -3 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे सिंपली 20, और इसको माइनस कर देंगे तो -1 आ गया। 20 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 5 x+1, चलो इसको थोड़ा सा मैं और लंबा करती हूँ, -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 x 2x+4। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई, 5x+5 -4 2 8x-16, ओके माइनस क्यों हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, बाय 20 = -1। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। 5x-8x -3x होगा, ठीक है ये बड़ा है इसलिए माइनस आया, और यहाँ पे 16 -5 -11 होगा, ये बड़ा है, ठीक है, बाय 20 = -1। अब क्या करना है, सिंपली माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, 3x-11 सॉरी +11 हो गया, बाय 20 = -1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, डिवीजन है ना, डिवीजन में कैंसिल, जब भी बीच में इजिक्वल टू का साइन है तो आप ये मान के चलो कि डिवीजन में है दोनों, ठीक है डिवीजन में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो इधर भी तो 1 है, ये हो जाएगा कितना, 3x+11 = 20 एंड द 3x = 20 -11। 20 - 11 कितना हो गया, 9। ठीक है, x = 9/3 x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने हमने क्या कर लिया, 5 और 6 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8, 10 तक कर ही लेते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे देखो x वाले टर्म्स इतने सारे हैं, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x+1/7, इसको इस तरह अप्लाएंगे, -3x+4/14, ठीक है, +x + x = 6। ठीक है, इतना हमने कर लिया। 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है, 14, 14 होता है, 7 2 कितना होता है, 14। ठीक है, 2 से x को करेंगे 2x+2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 14 को इसे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से इसको करेंगे, एक मिनट में ब्रैकेट में ही रखती हूँ। ठीक है, 1 से इसको माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x-4, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा क्योंकि माइनस माइनस है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 14 से x को मल्टीप्लाई हो जाएगा 14x। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x+2, माइनस साइन चेंज हो जाएगा 3x+4, ओके +14x बाय 14, ठीक है = 6। अब यहाँ पे x वाले टर्म सब एड और एड एंड सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 14x, यहाँ पे देखो 2+2x कितना हो गया 16x, 16 में से 3 को माइनस करना है, 16x-3x कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, और यहाँ 4+2 कितना हो गया, आगे का हमेशा साइन लिखा जाता है, ठीक है 4+2 6+6 बाय 14 = 6। अब क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा है, 13x+6 और 14 6 = 54, 14 6 = कितना होता है 84। ठीक है, बस अब यहाँ से क्या हो गया, 13x, ये फिर 84 - 6, ठीक है माइनस करेंगे, ये उधर गया माइनस हो गया, अब इसमें से माइनस करो 8 और यहाँ हो जाएगा 7, 78 हो रहा है। ठीक है, दैट इज x = क्या होगा, x = 78/13, 13 6 जो होता है, दैट इज x = क्या आ गया 6। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, तो 6x का आंसर हो गया।
सेवन नंबर का आंसर सिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। ओके, क्वेश्चन नंबर एट इस तरह का है, इसमें माइनस वाले टर्म बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बीच में फ्रैक्शन भी है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो थ्री से एक्स करेंगे, थ्री एक्स बाई फाइव, माइनस थ्री बाई फाइव से फोर को करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ट्वेल्व है ना, थ्री फोर जा ट्वेल्व बाई फाइव, ठीक है। माइनस फिर वन से टू एक्स को करेंगे तो टू एक्स बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस एंड माइनस, प्लस नाइन बाई थ्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ वन से इसको करेंगे तो एक्स बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, ठीक है, वन से इसको करने पर, यहाँ माइनस टू पहले से था, माइनस टू, ठीक है। अब हमें एक्स वाले टर्म को एक तरफ करना है, ठीक है, ये देखो कट जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो एक्स वाले टर्म को एक तरफ, थ्री एक्स बाई फाइव माइनस टू एक्स बाई थ्री, और क्या था, माइनस एक्स बाई फोर, ये एक तरफ हो गया, और बिना एक्स वाले, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म में माइनस वन बाई फोर यहाँ पहले से था, माइनस टू पहले से था, ये उधर आया, तो ये हो गया कितना, प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई फाइव, और ये हो गया माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री। ओके, अब चलो करते हैं क्या, सिंप्लीफाई। यहाँ देखो आप, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, माइनस वन बाई फोर और प्लस ट्वेल्व बाई फाइव, ये तो एक जैसा है, और ये थ्री और फाइव ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है ना, दोनों ऐड करके क्या आएगा, माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम फाइव थ्री और फोर का क्या है, फाइव थ्री और फोर का एलसीएम क्या होता है, सब अलग अलग टर्म्स है, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी, ठीक है, सिक्सटी एलसीएम हुआ, ठीक है। जहां पे भी हमें एलसीएम ही करना होगा, चलो ठीक है कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस फाइव लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस टू माइनस थ्री ये हटाकर, ये कितना होगा, इधर आया तो प्लस ट्वेल्व बाई फाइव, ठीक है, प्लस ट्वेल्व बाई फाइव, और ये जो प्लस थ्री था उधर जाके माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम करना है हमें, और फाइव और फोर का एलसीएम ट्वेंटी। ओके, अब यहाँ देखो फाइव का टेबल में कितनी बार में सिक्सटी आता है, ट्वेल्व बार है ना, फाइव ट्वेल्व जा, या फिर डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स एक्स, माइनस थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री टू जा सिक्स होता है ना, ट्वेंटी, ट्वेंटी को टू से करेंगे तो फोर्टी एक्स हो गया, माइनस इसको इसको डिवाइड करेंगे, देखो आपको सिंपली डिवाइड करके दिखा देती हूँ, फोर वन जा फोर, टू फोर फाइव, फिफ्टीन है ना, फिफ्टीन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है, फोर फाइव जा होता है तो माइनस फाइव, प्लस फाइव फोर जा होता है, फोर हो गया, फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एट, माइनस ये फाइव को ट्वेंटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगी, कि नीचे वन छुपा है, तो फाइव ट्वेंटी से कितना होता है हंड्रेड, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखो अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, थर्टी सिक्स एक्स माइनस ऐड करो फाइव, फोर प्लस वन फाइव, ठीक है, फिफ्टी फाइव एक्स बाई सिक्सटी इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा, हंड्रेड माइनस फाइव कितना हो गया, फोर्टी एट माइनस वन हंड्रेड फाइव बाई ट्वेंटी। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ओके, इसको माइनस करने पे क्या आएगा, नाइनटीन एक्स बाई सिक्सटी इज इक्वल टू, ये हो गया कितना, फिफ्टी सेवन, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस ट्वेंटी। अब इसको ये कट जाएगा नीचे नीचे थ्री टाइम्स में, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, ठीक है, आगे क्या हो गया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये नाइनटीन है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्टी सेवन मल्टीप्लाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये बाई नाइनटीन हो जाएगा, नीचे नाइनटीन चला जाएगा, ठीक है, नाइनटीन से थ्री टाइम्स में, और थ्री थ्री जा नाइन, एक्स का वैल्यू कितना आया, नाइन, ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन देखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा होता नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं। ओके, देखो नाइन नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कैसा है, फाइव की तरह है, कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम लेना है, फिर सबको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर लाना है, तो नाइन नंबर क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ, चलो टेन नंबर क्वेश्चन करते हैं। टेन क्या है,
एंड 10 में है 25 प्लस 3, एक मिनट में लिख लेती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस ये भी वैसे ये भी सिंपल है, ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन में था ये? क्वेश्चन नंबर 3rd में था। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को टफ ना हो इसलिए मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। 25 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 से 12x माइनस 3 5 से 15 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अभी सारा एक तरह जैसा आ गया, अब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेंगे। इसके पहले थोड़ा सा छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, प्लस और एड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो एडिंग उसी के साथ उसका होगा, एक्स वाले टर्म्स का एक्स के साथ होगा और कॉन्स्टेंट टर्म का कॉन्स्टेंट के साथ होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते, काफी बड़ा लग रहा है। तो 12x और 8x कितना हो गया, 20x, ठीक है। और ये 15 प्लस 16 माइनस माइनस 15, देखो 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 16 26, 26 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें सबको पता है एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, 20x माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, 3 माइनस 26। इसको माइनस करेंगे तो 19x इज इक्वल टू -23, ठीक है। माइनस में आएगा इसका मतलब आंसर, एक्स इज इक्वल टू -23/19, ये हो गया। अब चाहो तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने में क्या आएगा, -1, हाँ 4/19, ठीक है, ठीक है, इतना आएगा। यही आपका रिक्वायर्ड रूट हो गया। तो रूट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -1 होल 4/19, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो 9 तो हमने किया नहीं क्योंकि इसका सिमिलर एक था, हमने लास्ट में किया था। तो ये 10 तक आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो भी बचेगा बाकी दूसरे वीडियोस में करेंगे, और आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो 15 का 10 तक हमने कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अपने स्कूल के टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो और आपको आपकी जो सोल्यूशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके, इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड कॉमेंट। बाय बाय।